नमस्कार दोस्तों, आज के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूं और समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज हमें क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप पे बहुत से लोगों ने पूछा था कि होम्योपैथी में मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद में उसकी पोटेंसी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे समझें कि कब हमें लो पोटेंसी देना है और कब हमें हाई पोटेंसी देना है। ये थोड़ा सा बहुत लोगों का मिस रहता है। लोग कहते हैं अपनी अपनी प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है, लेकिन कुछ क्लियर सिम्टम्स मैं आपको बताता हूँ जिनको अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका काफ़ी हद तक पोटेंसी सिलेक्शन में काफ़ी इजी हो जाता है। बेसिकली हम सेंटिसिमल स्केल की बात कर रहे हैं कि कब हम लो पोटेंसी यूज करेंगे और कब हम हाई पोटेंसी यूज करते हैं। लो पोटेंसी हम कब यूज करते हैं? लो पोटेंसी बेसिकली किसी पैथोलॉजी है, अगर उस पेशेंट को कोई पैथोलॉजी डेवलपमेंट कर रही है बॉडी में, तो वहाँ पे भी हम हाई पोटेंसी नहीं देते हैं, लो पोटेंसी देते हैं। पेशेंट बहुत सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, वहाँ पे भी हम लो पोटेंसी यूज करते हैं। पेशेंट का लो इंटेलिजेंट है, मतलब आप समझ सकते हैं कि फिजिकल वर्क ज़्यादा है, मेंटल वर्क कम है, लो इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट होता है, एक लो इंटेलिजेंट होता है, और लो इंटेलिजेंट है तो वहाँ पे हम लो पोटेंसी यूज कर सकते हैं। वो पर्सन, वो पेशेंट ड्रग डिपेंडेंट है, वो अदर पैथी की, आयुर्वेद की, एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहा है और उन दवाइयों पे ड्रग डिपेंडेंसी है, उसके पास डिपेंडेंसी है, तो वहाँ पे हम मरीज को लो पोटेंसी यूज करते हैं और पेशेंट का वाइटल फोर्स जो है वो लोअर है। लो वाइटल फोर्स अगर है तो मतलब इम्यूनिटी पावर अगर उसकी लो है तो हम वहाँ पे लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं इंडिकेटेड रेमेडी की। और अगर हमें फिजिकल सिम्टम्स मिलते हैं तो हम वहाँ पे लो पोटेंसी देते हैं। तो लो पोटेंसी के क्राइटेरिया कौन कौन से फिर बताया बताया नंबर एक पैथोलॉजी पे देंगे, नंबर दो पेशेंट अगर सेंसिटिव है तो वहाँ पे देंगे, लो इंटेलिजेंट है तो दे सकते हैं, ड्रग डिपेंडेंसी है तो वहाँ पे दे सकते हैं, वाइटल फोर्स अगर उसका कमज़ोर है, इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो वहाँ पे पेशेंट को लो पोटेंसी हम देते हैं, या फिजिकल सिम्टम्स पे अगर हमें दवा प्रिस्क्राइब करना है तो लो पोटेंसी हम देते हैं। अब आप बारी आती है कि हाई पोटेंसी हम कहाँ पे देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें हमने लो पोटेंसी में बताई है उसकी उल्टा अपोजिट साइड जो है वो हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कि उस केस की मुझे पिक्चर क्लियर हो, पूरा पिक्चर क्लियर हो रही हो उस केस का, मेंटल सिम्टम्स हमें क्लियर मिल रहे हों, मेंटल सिम्टम्स पे हमें हाई पोटेंसी पे हम जा सकते हैं। एक्यूट डिजीज हो और क्लियर पिक्चर हो, एक्यूट डिजीज है और वहाँ पे अगर हमें क्लियर पिक्चर मिल रही है तो सेंटिसिमल में हम हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा वर्क करता हो, फिजिकल कम वर्क होता हो, वहाँ पे हम हाई पोटेंसी यूज कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव ना हो, हाइपर सेंसिटिव होता है तो सेंसिटिव हो तो हम लो पोटेंसी देते, हाइपर सेंसिटिव ना हो। और होम्योप्रोफाइलेक्सिस के लिए होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बीमारियों को बचाव देते हैं, बचाव करती हैं रोग से प्रिवेंटिव तौर पे, तो वहाँ पे भी हम पेशेंट को 1 mg या 10 mg हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाई पोटेंसी कहाँ पे देंगे, पिक्चर केस की पूरी क्लियर हो, मिक्स ना हो, क्लियर मेंटल सिम्टम्स हो, मेंटल सिम्टम्स स्ट्रांग मेंटल सिम्टम्स हो, PQRS मिल रहा हो, एक्यूट डिजीज हो और क्लियर पिक्चर हो, कोई भी एक्यूट डिजीज हो क्लियर पिक्चर हो, होम्योप्रोफाइलेक्सिस में बीमारी से बचने के लिए जब हम एज ए वैक्सीन तो नहीं कह सकते हैं लेकिन होम्योपैथिक की जो वैक्सीन होती है उसको होम्योप्रोफाइलेक्सिस कहते हैं, वो बीमारी के लिए हम जो दवा प्रिवेंटिव मेडिसिन देते हैं तो वहाँ पे हाई पोटेंसी देते हैं, या हाईली इंटेलिजेंट पर्सन हो तो वहाँ पे हम उसको हाई पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा हमारे स्टालवार्ड्स ने बताया हुआ है। फिर लो पोटेंसी के लिए फिर मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ, अगर पेशेंट के अंदर पैथोलॉजी डेवलपमेंट हो गई है, पेशेंट सेंसिटिव है, लो इंटेलिजेंट है, कोई भी अदर पैथी का, एलोपैथी का, यूनानी का, आयुर्वेदिक का ड्रग्स ले रहा है, उस ड्रग डिपेंडेंसी है उसके अंदर, उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है और वाइटल फोर्स उसका कमज़ोर है, और फिजिकल सिम्टम्स पे अगर हमें दवा प्रिस्क्राइब करनी है तो वहाँ पे हम लो पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं।
तो दोस्तों शायद ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा कि कब हमें इंडिकेटेड रेमडी की हाई पोटेंसी देनी है और कब हमें लो पोटेंसी देनी है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि लो पोटेंसी और हाई पोटेंसी कब कब देनी है, इसके बारे में मैंने आज आपको कई सिम्टम्स बताए। इसी पे आप सही देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और पेशेंट भी कह देगा कि हाँ कितना अच्छा आराम मिलता है। इधरते कभी होम्योपैथी फेल नहीं होती है, मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, होम्योपैथ फेल हो जाता है केस ट्रैकिंग करने के बाद में, केस लेने के बाद में इंडिकेटेड रेमेडी तक सही मिनिमम तक पहुंच नहीं पाते हैं और हम दूसरी या पार्सल से मिनिमम तक पहुंचते हैं, इसीलिए हमारा केस फेल हो जाता है, हम अनसक्सेस हो जाते हैं होम्योपैथी और फिर कह देते हैं कि होम्योपैथी दवा काम नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने सी मिनिमम दवा दिया है तो देखिए विद इन 5 मिनट्स के अंदर आपकी होम्योपैथी दवा काम करती है। एक छोटे से एग्जांपल के लिए बताता हूँ मैं कि अगर आपको कोई बुलेट कोई शूट करता है दिमाग में, अगर आपको शूट करता है सीधे, तो आप सीधे वहीं पे ढेर हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी आपकी। लेकिन वही बुलेट अगर आपके साइड से निकल जाती है साइड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वैसे हमारी होम्योपैथी मेडिसिन होती है, अगर हमारी इंडिकेटेड रेमडी बिल्कुल सही है, सटीक है, पार्शियल नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट अपने निशाने पे, गोल पे, टारगेट पे पहुँचेगी और रोग को उखाड़ कर फेंक देगी। लेकिन अगर वही पार्शियल मिनिमम है तो सीधे निकल जाएगी और उस पे रोग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फिर हम कह देते हैं कि होम्योपैथी दवा बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो दोस्तों कभी कभी देखने को ये भी मिलता है कि होम्योपैथी जहाँ पर हमें, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि दवा हमारी सही है, अगर हमारी पोटेंसी सही नहीं है, कम पोटेंसी है, तो दवा में आराम नहीं मिलता है। जैसे एक केस मैं आपको शेयर करता हूँ, एक मेरा माइग्रेन का केस था, नेट्रेम्यूल था, मैंने नेट्रेम्यूल 30 दिया उसको और उस समय मैं ज़्यादा दवा रिपीट नहीं करता था। 30 पावर की एक वीकली मैंने दवा दिया, उसको रिस्पांस नहीं मिला। 200 नेक्स्ट वीक में दिया तो रिस्पांस नहीं, थोड़ा सा 20-30% रिस्पांस मिला। फिर मैं 1 MP गया तो 1 MP जाने के बाद में उसको 50% क्योर हो गया था पेशेंट। फिर अगले 2 महीने के बाद मैंने जब उसको 10 MP दिया तो 10 MP के बाद से उसको बिल्कुल माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर हो गई थी हमेशा की। उसके बाद मुझे उसको ऐसे पे रखना पड़ा और कभी भी उसको दवा रिपीट नहीं करनी पड़ी। तो ऐसा नहीं था कि मेरी मेडिसिन सही नहीं थी, मेरी मेडिसिन बिल्कुल सही थी, लेकिन पोटेंसी का जो खेला होता है, पोटेंसी में अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो वो भी हम कभी कभी फेल हो जाते हैं। शायद अगर स्टार्टिंग में ही अगर हम उसको 1 MP दे देते तो शायद उसका इतना 2-3 महीने तक केस ना खींचता। लेकिन लोगों का पास डरते हैं कि 30, 200, 1 MP, 10 MP और उसका 10 MP के बाद पूरा केस क्योर हो गया था। ऐसे दोस्तों एक और हम केस बताते हैं कि एक डायबिटीज का केस था, जहाँ पे हमारी रेमेडी फास्फोरस आई हुई थी। फास्फोरस हम उसको 0-1 दिन में 2 बार दे रहे थे और उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, मोर देन 450 शुगर का पहुँच रहा था। लेकिन जब हमने उसको रिपीट फास्फोरस LM Power 01 में हर 2-2 घंटे पे दिया तो मैंने देखा वही रेमडी ने उसका शुगर 150-200 तक कर दिया। दोस्तों कभी कभी मेडिसिन का फ्रिक्वेंट रिपीटिशन भी बहुत ज़रूरी होता है। सही पोटेंसी भी अगर आपने संभाल लिया है, 0-1 आप दे रहे हैं और अगर उसका सही रिपीट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको जो आप डिजायर रिजल्ट चाहते हो तो वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहली बात है कि आपको इंडिकेटेड रेमेडी पता हो जाएगी, लेकिन अगर आपको उसका सही पोटेंसी नहीं पता है तो भी आप फेल हो सकते हैं, या सही रिपीटेशन नहीं आप अगर पेशेंट पे कर रहे हैं तो भी आप फेल हो सकते हैं। तो दोस्तों सही रेमेडी को सर्च करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, सबसे बहुत बड़ा काम नहीं है। अपने एक्सपीरियंस के अनुसार या अपने स्टार्ट वर्ड के एक्सपीरियंस के अनुसार देख करके हमें यह भी पता लगा लेना है, एक्सपीरियंस आ जाता है पेशेंट को देखते समय कि हमें कौन से पावर की मेडिसिन इस पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स पे देख करके कौन से पावर की मेडिसिन हमें देना चाहिए और उसका रिपीट कब करना चाहिए। एलएम पोटेंसी में ये अच्छा है कि हम उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे दूसरे CNTCML स्केल में 201 MP में हम लोग रिपीट उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन एलएम पावर में उसको रिपीट किया जा सकता है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, इससे बहुत से लोग एग्री भी होंगे, बहुत से लोग एग्री नहीं होंगे,
तो वो अलग चीज़ है होम्योपैथी में। लेकिन जो मेरे थाट्स थे, जो मुझे लगा कि नहीं पोटेंसी पे आज चर्चा करनी चाहिए, चॉइस ऑफ पोटेंसी, कैसे पोटेंसी पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि लेटली कैसे पोटेंसी सिलेक्ट की जाती है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो पोटेंसी सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथी एंड रिपीटिशन पर। एक हम दूसरा वीडियो भी रिपीटिशन भी बना देंगे, कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं ये हमें रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शायद ये एक पोटेंशियल सिलेक्शन का वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प कर सकता है। और दो मैंने केस बताए हुए हैं एक पोटेंशियल सिलेक्शन के लिए कि 3201 ने पेशेंट के ओर नहीं किया माइग्रेन को, लेकिन 10 देने के बाद में पेशेंट बिल्कुल क्योर हो गया। वो मेरे पास पेशेंट अभी 1.5 साल से चल रहा है फॉलोअप में, लेकिन उसको माइग्रेन का एक भी झटका नहीं आया। और दूसरा केस मैंने बताया आपको, डायबिटिक केस में एक ट्रीट कर रहा था, तो शुगर के लिए जब मैं 2 बार एल एम पावर की दे रहा था, रिपीट नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे उसको वो जो हमें एक्सीलेंट जो मेरा डिजायर रिजल्ट था वो नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे मैंने उसको रिपीट किया, 2-2 घंटे भी मैंने एल एम पावर को दिया, वैसे उसका शुगर कम हो गया। ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है, वो मैंने दोस्तों आपसे शेयर किया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, जय हिंद।